जमुई के रहने वाले अभिषेक कुमार पांडे ने पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित हुए मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में अफगानिस्तान के खिलाड़ी को हराकर दूसरा स्थान हासिल किया था। अभिषेक की कहानी काफ़ी अलग है और इन्होंने लड़ाई झगड़े के कारण मिक्स मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग शुरू की। अभिषेक ने बताया कि वह बचपन में लड़ाई झगड़ा होता था तब पिटकर वापस घर आते थे, जिसके बाद उन्हें लगा कि उन्हें मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेनी चाहिए और दोस्तों ने इसे लेकर उन्हें काफ़ी प्रोत्साहित भी किया, जिसके बाद अभिषेक इसकी तैयारी करने में जुट गए। अभिषेक की ख्वाहिश है कि वह देश के लिए पदक हासिल कर सकें तथा देश और जिले का नाम रोशन कर सकें। जमुई से लोकल टीम के लिए गुलशन कश्यप। बताइए कहाँ से अपनी शुरुआत करी है, इसकी कैसे शुरुआत हुई आपके? जम्मू से ही शुरू किए थे, जम्मू में ही हम ट्रेनिंग लेते हैं। एमएमए कंपटीशन में भाग लिए हैं, बॉक्सिंग में लिए हैं, ताइक्वांडो में लिए हैं, कराटे में लिए हैं। क्या करना चाहते हैं? देश के लिए खेलना चाहते हैं जी। कैसे लड़ाई झगड़े से शुरुआत हुई बताया? लड़ाई झगड़ा से शुरुआत हुआ था, कोई मतलब दोस्तों के मैटर से हुआ था, उसी में ये हुआ। उसके बाद हम इसको सीखना शुरू कर दिए। सीखते सीखते में मतलब फिर उसके बाद हम गेम खेलना शुरू कर दिए। ये एमएमए का कंपटीशन था, ये दिल्ली में हुआ था, जिसमें हम सिल्वर मेडल जीते हैं। क्या बोले? इसमें 5 कंट्री के लोग थे अपने देश लेके, करीब 250-250 से प्लस प्रतिभागी थे।